अभी जो साइन अप फॉर्म हमने क्रिएट किया वो साइन अप फॉर्म रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरह से हमको डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है। तो अभी और छोटा किया तो ये इस तरह से दिख रहा जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि अभी अभी ये स्क्रीन है स्मॉल, तो स्मॉल स्क्रीन में मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक के नीचे एक आ जाए। अभी हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, कॉल, तो इससे क्या होता है 50-50% डिवाइड रहता। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कहा कॉल LG6 अप्लाई कर देते हैं इसमें, कॉल LG6, और यहाँ पर भी हमने कहा कॉल LG6 अप्लाई किया। और मीडियम स्क्रीन में क्या चाहते हैं तो उसमें भी हम 6-6 चाहते, तो यहाँ पे कॉल MD6 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी मैंने कहा कॉल MD6, ठीक है। तो मीडियम स्क्रीन में ये 6-6 स्क्रीन का दिख देगा, लेकिन अभी देखो स्मॉल स्क्रीन हो गया तो ये एक के नीचे एक आ गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्क्रॉल कैसे कर पाऊँगा, ये हो गया, हाँ। तो अभी देखो ये एक के नीचे एक आ गया क्योंकि ये स्मॉल स्क्रीन है। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रीन थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये हो गया मीडियम स्क्रीन, और मैं लार्ज करूँगा तो लार्ज स्क्रीन में भी ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लार्ज स्क्रीन का अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर मीडियम में और लार्ज में आप एक साथ चाहते हो तो। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो लॉग इन विद साइन अप और यू फेसबुक है ये हमको स्टार्टिंग में दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो है इस फॉर्म के बाद दिखना चाहिए, ये फॉर्म मुझको पहले दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो जब स्क्रीन, जब मैं अगर मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, जो ये वाला कॉलम इसको पहले लिख देता हूँ उसको बाद में, तो इससे क्या होगा ये वाला यहाँ दिखने लगेगा, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता। तो मैं इसको ऑर्डरिंग कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। ऑर्डरिंग में कैसे कर सकता हूँ कि जैसे स्मॉल स्क्रीन होगा तो ये बाद में आ जाएगा, ये पहले। तो उसके लिए मैं करूँ, जो पहला वाला है इसको मैं कब दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ पहले, लेकिन पहले कब दिखाना है, जब लार्ज स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर क्लासेस होती है हमारे पास, तो मैंने कहा ऑर्डर LG फर्स्ट, ठीक है। तो जब लार्ज स्क्रीन रहेगा तब इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट रहेगा। अब लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो लार्ज स्क्रीन में फर्स्ट रहेगा, लेकिन जब स्मॉल स्क्रीन होगा तो ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे MD कर देते हैं हम इसको, ये सही है। अब इसके बाद मैंने कहा कि जब स्मॉल स्क्रीन रहेगा तो मुझे इसको लास्ट में भेजना है, तो इससे क्या होगा ये लास्ट में चला जाएगा। सेव किया, वापस आएंगे, अभी देखो ये फर्स्ट में है, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर MD फर्स्ट, तो मीडियम स्क्रीन या फिर लार्ज स्क्रीन, तो ये पहले दिख रहा है। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, ये हुआ। तो जैसे ही ये स्क्रीन छोटी हुई स्मॉल स्क्रीन में आया तो अभी देखो फॉर्म पहले दिख रहा है, फॉर्म पहले दिख रहा है, और ये जो साइन अप विद सेशल अकाउंट है ये हमको बाद में दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्लासेस जो हैं इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और समस्या आ रही है कि इन दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पे गैप वगैरह आपको नहीं दिखेगा स्मॉल स्क्रीन में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया साइन अप फॉर्म। जब ये स्मॉल स्क्रीन में आता है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर जो साइन अप विद सोशल इसके अंदर मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ऐड किया HR एंड उसको सेव किया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ही हमको शो होगा, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। तो अभी इसको देखोगे फॉर्म इसके अंदर क्रिएट हो गया, तो इसके अंदर नहीं करना है मुझे, मैंने गलत जगह कर दिया। तो ये जो बॉडी है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर मुझे इसको अप्लाई करना है। पेस्ट किया एंड सेव किया, तो इसके ऊपर ये हमको यहाँ पर शो होगा। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये कब दिखाना है मुझे, जब स्क्रीन छोटा होगा तभी। वैसे ये अभी भी सही लग रहा, तो इसको आप अपने एंड पर ट्राई कीजिए कि जब स्क्रीन छोटा हो तभी ये मुझको दिखे, बाकी टाइम ये ना दिखे। तो DBlock DNN की हेल्प से हमें करेंगे, DSMS की हेल्प से हमें पे करेंगे। अभी ये फॉर्म हमको दिख रहा है, ठीक है। इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ पर एक लाइन दिख रही थी, इनका सोशल विद अकाउंट, सोशल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने किसी भी पेज को जो है रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि लॉगिन पेज यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके एक लॉगिन पेज यहाँ पे क्रिएट करूँगा।